Hello everyone, welcome all to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोनट लड्डू बनाने की रेसिपी. उम्मीद करती हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. यहाँ पर मैंने 2 कप नारियल का चूरा लिया है. गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और कोकोनट पाउडर को रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए. जब कोकोनट का कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे. अब इसे अच्छे से टाइम लगाकर मिक्स करेंगे. इसके बाद हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए. तो फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे और चीनी डिज़ोल्व होने तक इस मिक्सचर को पकाएंगे. तो अब इसके बाद ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर. आप इसमें लिक्विड फूड कलर ही यूज़ करें जो इसमें आसानी से मिक्स हो जाता है. अगर आपके पास पाउडर्ड फूड कलर है तो आप उसमें 1 or 2 टीस्पून पानी ऐड करें और फिर उसे यूज़ करें. तो ये देखिए इस तरह से कलर को मिक्स कर लेंगे. अब इसके बाद 10 मिनट के लिए लड्डू के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद इस तरह से 1 by 1 लड्डू तैयार कर लेंगे. लड्डू बनाने के बाद इस एक प्लेट में कोकोनट का पाउडर लेंगे और लड्डू को इसमें अच्छे से कोट करेंगे. तो ये देखिए इस तरह से हम लड्डू रेडी कर लेंगे. एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि हम किस तरह से लड्डू तैयार करेंगे. तो देखा आपने कितनी अच्छी लुक आई है हमारे कोकोनट लड्डू की और ये बनाने में भी बहुत ही आसान बनते हैं. उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो. आप भी इस रेसिपी को घर पे बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो.